यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी सुखी वाणी आत्मा शक्ति। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? यीशु को यरूशलम के निकट पाकर लोग समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है, इसलिए यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने दास सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहता था कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई हैं। और स्वामी ने उससे कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए यह आपकी अशर्फी, मैंने इसे एक अंगूठे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं, आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकाल लेते हैं और जो नहीं बोया उसे लूटते हैं। स्वामी ने उससे कहा, रे दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूं, मैंने जो जमा नहीं किया उसे मैं निकाल लेता हूं और जो नहीं बोया उसे लूटता हूं, तो तूने मेरा धन महाजन के यहां क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे यह अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी उसके पास तो 10 अशर्फियां हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को जो ये नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर
यीशु यरूशलम की ओर आगे बढ़े। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के ये सुंदर वचन लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 11 से 28 से पढ़े गए हैं कि प्रभु ये चाहता है कि हम फल उत्पन्न करें। ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा कि हम इस पृथ्वी पर रहते समय हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें और उचित फल उत्पन्न करें। यीशु ने स्वयं कहा योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। प्रियजनों, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार गुण और वरदान दिए हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं दी जाती, कोई भी ऐसा प्रलोभन नहीं दिया जाता जो आपकी शक्ति से बाहर हो। जब आज के इस वचन को हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को चुना और उसकी योग्यता के अनुसार उसे टैलेंट्स दिए हैं, किसी को प्रचार करने का, किसी को सेवा करने का, किसी को उपवास करने का, किसी को प्रार्थना करने का, और ये सारी ही बातें कलीसिया के उत्थान के लिए आवश्यक हैं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए जरूरी हैं, क्योंकि हम एक ही शरीर के अंग हैं। भले ही शरीर एक है लेकिन अंग बहुत सारे हैं, परंतु हमारा शीर्ष एक है। और जब हम कार्य करते हैं तो हम उस प्रभु को समर्पित होकर उसे खुश करने के लिए हम इन सभी कार्यों को करते हैं। तो इसलिए संत पौलुस हमें याद दिलाता है कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12 में कि भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को आध्यात्मिक वरदानों के विषय में निश्चित जानकारी हो। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक कुलीन व्यक्ति अपने 3 नौकरों को एक एक अशर्फी देकर चला गया और उनसे कहने लगा कि मेरे आने तक व्यापार करो, और उन्होंने व्यापार किया। पहले ने एक अशर्फी से 10 और कमाई, दूसरे ने 5 और कमाई, लेकिन तीसरा आलसी बना रहा। कलीसिया में लोगों को भी इसी तरह से परमेश्वर ने इन वरदानों से भर कर भेजा है, इन कैरिज्म्स को देकर भेजा है। हर एक व्यक्ति को अपने कैरिज्म्स को पहचानने की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति को अपनी बुलाहट को पहचानने की आवश्यकता है। और जब हम उस बुलाहट को पहचान लेते हैं और उसके मर्म को हम समझ लेते हैं, अपनी बुलाहट के उद्देश्य से हम परिचित हो जाते हैं, तो प्रियजनों, हम उस पहले व्यक्ति के समान कार्य करते हैं जिसने एक अशर्फी से 10 और कमाई। तो सुनिए कि संत पौलुस क्या लिखता है कि कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4, किंतु आत्मा एक है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर के द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा के द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिले हैं, किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान के शब्द मिले, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार
प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। और एक विश्वासी को जो मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करता है, संस्कारों को ग्रहण करता है, प्रियजनों, उसके अंदर इन वरदानों का बढ़ना अनिवार्य है। क्योंकि परमेश्वर ने, हो सकता है आपको उपवास का वरदान दिया, उपवास करके प्रार्थना करने का वरदान दिया है, और यदि हम इसमें खरे नहीं उतरते या अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते तो हम तीसरे नौकर के समान आलसी ठहरेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमें स्पष्ट करता है कि उसने हमें एक निश्चित उद्देश्य को देकर इस दुनिया में भेजा है। इसलिए हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि जो जिम्मेदारी, जो बुलाहट परमेश्वर ने उसे सौंपी है, उसके अनुसार वह आचरण करे। संत पौलुस लिखता है कि आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। कुलीन व्यक्ति ने तीन व्यक्तियों को जो उसके नौकर थे बुलाया और उन तीनों को एक एक अशर्फी दी और व्यापार करने के लिए कहा कि जब तक वो लौट कर आए वे लोग व्यापार करें। प्रभु यीशु भी इस दुनिया से जाते समय हम लोगों को ये जिम्मेदारियां देकर चले गए हैं कि उसके आने तक हम अपने जीवन में सजग रहें, सतर्क होकर प्रार्थना करते रहें, जागते रहें, जिससे कि परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाएं, प्रलोभन में ना पड़ें। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इन तमाम बातों के लिए जो वो हमें याद दिलाता है। याद रखना कि परमेश्वर एक ही है, आत्मा एक ही है। जिस तरह से मनुष्य का शरीर एक है, हालांकि उसके बहुत सारे अंग होते हैं और अनेक अंग होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं, मसीह के विषय में भी यही बात है। प्रियजनों, आज मसीह हमारे जैसे शरीर में इस दुनिया में नहीं है, वो आत्मिक और महिमा में शरीर में हमारे बीच में प्रकट होते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, वो चाहता है कि हम उसके शरीर के अंग बने, हम यीशु के हाथ बने, हमारे हाथ यीशु के हाथ बने, जो आशीर्वाद दिया करते थे, जो प्रार्थना किया करते थे, जो पिता के सामने हमेशा जुड़े रहते थे। हमारे पैर यीशु के पैर बन जाएं, जो गलील, कफरनहूम और अनेक जगह पर गलियों में जा जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, प्रायश्चित के लिए आह्वान करते थे। आज विश्वासी को यीशु के जैसे बनने की आवश्यकता है। ये हमारा बुलावा है। हमारी जुबान, हमारी दृष्टि, हमारा हृदय यीशु के हृदय के जैसा बन जाए, ताकि उसमें से दया निकले, उसमें से क्षमा निकले, उसमें से प्रेम निकले। ये हमारा बुलावा है, ये हमें जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि इस व्यक्ति ने अपने तीन नौकरों को यह जिम्मेदारी दी। अब बाइबल हमें स्पष्ट करती है कि प्रभु ये कहता है कि मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे यूदा, हे इज़राइल, जब तू बालक था मैंने तुझे तेरा नाम लेकर पुकारा। उसने हमें औरस पुत्रों का नहीं, दत्तक पुत्रों का अधिकार प्रदान किया है। इसलिए जब वो हमसे दत्तक पुत्र होने के लिए कहता है और उसे स्पष्ट करता है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम उसकी बातों को सुने, हम उस पर चलने का प्रयास करें और अपनी जिम्मेदारियों को हम पूरा करें। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस लिखता है कि ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है, पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्यवक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों और तब चमत्कार दिखाने वालों को, इसके बाद स्वस्थ करने वालों, परोपकारों, प्रशासकों, अनेक भाषाएं बोलने वालों को। क्या सब प्रेरित हैं, सब भविष्यवक्ता हैं, या सब शिक्षक हैं, सब चमत्कार दिखाने वाले हैं, सब स्वस्थ करने वाले हैं, क्या सब भाषाएं बोलने वाले हैं, या सब व्याख्या करने वाले हैं? आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें,
मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति को एक एक अशर्फी प्यारे भाइयों और बहनों सौंपी गई है, और वो अशर्फी जैसा हमने अभी वचन में सुना, हो सकता है परोपकार करने की अशर्फी है, प्रशंसक बनने की अशर्फी है, प्रशासक बनने की अशर्फी है, या भविष्यवक्ता बनने की अशर्फी, या भविष्यवाणी करने की, या चमत्कार दिखाने की, या सेवा करने की एक एक अशर्फी दी गई है। और यदि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा जैसे कि तीसरे सेवक के साथ हुआ। आज के ये वचन हमें आमंत्रित करते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट करती है कि मैं आलसी व्यक्ति से घृणा करता हूं। प्रभु कहता है मुझे आलसी व्यक्ति से घृणा है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि यदि कोई काम नहीं करता है तो उसे भोजन ना दिया जाए। जो काम नहीं करता है उसे भोजन का कोई अधिकार नहीं है। और वो अपने विषय में उदाहरण देते हैं कि हमने जो देखा, हमने जो सुना है, हमने जो अनुभव किया है, उसे बताना हमारे लिए असंभव सी बात है। इसलिए हम आप लोगों के बीच रहते समय मेहनत करते रहे, हमने जो देखा था उसे लोगों को बताते रहे, हम साक्ष्य देते रहे परमेश्वर के विषय में, यीशु मसीह के जी उठने का, उसके चिन्ह चमत्कारों का साक्ष्य हम लोगों को देते रहे। तो क्या हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है? हमारी भी जिम्मेदारी है। जितने लोगों ने मसीह नाम का बपतिस्मा ग्रहण किया है, जो वचन को सुनते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, इन अशर्फियों के द्वारा जो गुणों और वरदानों के रूप में हमें दी गई हैं, हम प्रभु की सेवा करें, हम प्रभु की सेवा करें। देखिए, प्रभु हमसे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहता है। वो हमसे दीनहीन पश्चातापी हृदय, विनम्र हृदय, सेवा का भाव, एक दूसरे को क्षमा करने का भाव वो हमसे चाहता है, और उसी के द्वारा वो हमें वरदान प्रदान करेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, सब चीज़ें चली जाएंगी लेकिन विश्वास, भरोसा और प्रेम ये बने रहेंगे। इसलिए अपनी इस अशर्फी को और आगे बढ़ाना, प्रेम, विश्वास और भरोसा, क्योंकि ये अनंत काल तक बने रहते हैं। संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि अगर हम में प्रेम नहीं है तो हम झनझनाते झांझ और घनघनाते हुए घड़ियाल के समान हैं। यौहन के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं कि अगर हम में प्रेम नहीं है तो ईश्वर का निवास नहीं है। तो प्रेम रूपी अशर्फी यदि हमारे जीवन में उन्नति नहीं करती है, तो प्रियजनों, हमारे साथ भी सख्ती से व्यवहार किया जाएगा। याद रखना, मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा कि हमें अपनी हर निकम्मी बात का हिसाब देना होगा। उपदेशक ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है कि हे नवयुवक, अपनी आंखों की अभिलाषा को पूरा करो, अपनी जवानी के दिनों में तुम जो कुछ करना चाहते हो करते रहो, लेकिन याद रखना ईश्वर तुमसे तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा, ईश्वर तुमसे तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। इसलिए हे नवयुवक, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को कभी मत भुलाना, कभी मत भुलाना। इसलिए एक प्रचारक के लिए, सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए संपूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। सेवकाई में रहने वाले व्यक्ति को अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। एक याजक को पवित्रताई में रहकर बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है, और प्रभु इन बातों से प्रसन्न होता है। प्रभु को प्रसन्न करने वाली बातें, प्यारे भाइयों और बहनों, नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन और परिवार में रहें। एक दंपति के लिए आपके बच्चे आपके लिए अशर्फियां हैं। यदि आप उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें विश्वास की और संस्कारिक शिक्षा देते हैं, तो उनके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति आती है। सांसारिक रूप से उनके जीवन में भौतिक उन्नति होने लगती है। आपके बच्चे परमेश्वर की आज्ञा माने, उसके वचनों को सुने, उस पर चले, ये आपके लिए 10 अशर्फियां कमाने के बराबर हैं। आपके परिवार में प्रार्थना बढ़ती जाए, मध्यस्थता होती रहे, परमेश्वर की महिमा आपके घर में प्रकट होती रहे, ये प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों को बढ़ाना है।
इसलिए गलातियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा के वरदानों की हम अभिलाषा करें, जिससे कि हमारे जीवन में ये अशर्फियाँ बढ़ती जाएं जो परमेश्वर ने हमें वरदानों के स्वरूप दी हैं। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से अनेक वरदान दिए हैं, अनेक वरदान दिए हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उन वरदानों में हम और ज़्यादा बढ़ें और उसकी कृपा हमें प्रभु से मिलती जाए और वो हमें आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज का ये वचन हमें अपनी जिम्मेदारियों को और उद्देश्यों को समझने की कृपा प्रदान करे। ईश्वर ने हमें जो वरदान दिए हैं उसमें हम बढ़ते जाएं। यदि कोई अच्छा गा सकता है तो वो प्रभु की महिमा के लिए गाए। यदि कोई सेवा करना चाहता है तो वो तन, मन और हृदय से और अपने धन से प्रभु की सेवा करे। यदि कोई अच्छा प्रचारक है तो वह प्रभु के वचन को पढ़कर लोगों को बताए। यदि कोई विनम्र है, दयालु है, तो वह लोगों की सेवा करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे वरदानों में बढ़ते जाएं। हे प्रभु, आपने हमें जो विभिन्न प्रकार के वरदान दिए हैं, तेरी कृपा से ये सदा विकसित होते जाएं। हमारे घरों, परिवारों में, बच्चों के जीवन में, हमारे मित्र बंधुओं के और पड़ोसियों के जीवन में तेरा आशीर्वाद उतरे। सभी लोग अपनी बुलाहट को पहचाने और उसके अनुसार आचरण कर सके। हे प्रभु, हम अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें और तेरी कृपा को नित्य प्रतिदिन अनुभव करें। हमारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों के जीवन में तेरा आशीर्वाद बना रहे। हमारी संस्थाओं में, कलीसियाओं में, विश्वासियों के जीवन में, लोक धर्मियों के जीवन में, याजकों के जीवन में, प्रभु चुने हुए लोगों के जीवन में तेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है धर्मी अपनी धार्मिकता का पुरस्कार पाएगा, विश्वासी अपने विश्वास का पुरस्कार पाएगा। ये कृपा आज हम सबके जीवन में आ जाए, हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता जो इस वाणी पे चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।